हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास का टॉपिक है हिंदी भाषा ज्ञान, वीडियो का पार्ट नंबर 42 रहेगा। उपरोक्त जितने भी एग्जाम मेंशन है, सीजीएल, पीजीटी, एक्साइज स्टेन, सब में यह लेक्चर काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यही है कि अब क्लास आपका होगा तीन, डेली तीन क्लास होगा, क्लास वन, क्लास टू और क्लास थ्री। क्लास वन में जो टॉपिक मेंशन है उसमें हिंदी या इंग्लिश में से कोई लेक्चर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। टाइमिंग इसका 8 बजे रहेगा, तो सबके लिए पेटी आप लोग बांध लीजिए, अब रेगुलर क्लास चलेगा और बहुत ही मजा आ जाएगा आपको। हिंदी और इंग्लिश 8 बजे आएगा और इंडिया के अंदर जितने भी एग्जाम हुए होंगे उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी साथ ही साथ अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सब में फायदा पहुंचे, चाहे वह स्टेट का किसी भी एग्जाम हो या SSC हो या फिर कोई भी एग्जाम हो जहां पर हिंदी इंग्लिश पूछा जाता है। कहने का तात्पर्य है सब में काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, क्योंकि हम लोग कुछ छोड़ने वाले इसमें नहीं है, सब चीज़ को पढ़ने वाले हैं। जनरल स्टडी का पोर्शन होगा जो कि टाइमिंग 2 बजे रखा गया है और इस जनरल स्टडी में उसी तरह से पढ़ेंगे जैसे मैं पहले बताया, इंडिया के अंदर जितने भी एग्जाम होंगे उस सब का क्वेश्चन, साथ में साथ करंट अफेयर को भी छोड़ा नहीं जाएगा, उसको भी कवर करके चला जाएगा। और तीसरा क्लास होगा झारखंड जीके का। झारखंड के अंदर कोई भी एग्जाम हो उसमें झारखंड का जीके का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है और लर्नर्स ग्रेज एजुकेशन झारखंड के लिए ही डेडिकेटेड है, तो झारखंड जीके देना तो बनता है ना। तो झारखंड जीके डेली होगा, क्लास का टाइमिंग इसका 9 बजे रखा जाएगा। प्रीवियस ईयर भी देखेंगे और अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा से क्लास चलने वाला है, कुछ बात मैं बता देता हूँ। चैनल जैसा कि नया है तो अभी जो क्लास चलेगा वो सारा प्रीमियर चलेगा, लाइव का मेरे पास सेटअप नहीं है फिलहाल, तो लाइव का सेटअप नहीं होगा, प्रीमियर क्लास चलेगा। तो जितना टाइम दिया गया है उसमें आप लोग आ जाइएगा और इसको इन्जॉय कर सकते हैं, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्लास रहेगा। आज से तो यह हो नहीं पाएगा लेकिन कल से आपको शेड्यूल सबका देखने को मिल जाएगा। ओके, तो यही था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग को भी कोई सुझाव प्रतिक्रिया है इसके बारे में या कोई टाइमिंग कुछ चेंज करवाना चाहते हैं तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी ये सारा टाइम आप लोग के लिए सही है, सुबह उठकर आप लोग 8 बजे तैयार हो सकते हैं और उससे पहले चाहते हैं तो उसको भी बोल दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में 35 क्वेश्चन रहेगा हिंदी भाषा में और ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और PDF के लिए टेलीग्राम से आपको कनेक्ट रहना है और क्विज भी वहाँ पर चलता है तो उसके लिए फायदा होगा आपको, खासकर JSSC और JPSC एग्जाम वाले उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। आप लोग के लिए लर्नर्स ग्राइज एजुकेशन स्पेशल चैनल ही है, सिर्फ और सिर्फ झारखंड के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भक्तमाल के रचनाकार कौन है, केशवदास, नाभादास, विष्णुदास या फिर सुंदरदास? इसका आंसर हो जाएगा बी। रचना और रचनाएं उसके उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो नाभादास इसके रचनाकार हैं भक्तमाल के। इनके गुरु का नाम था अग्रदास ना, अग्रदास इनके गुरु का नाम था, तो अग्रदास के कथनानुसार ये जो है से नाभादास की रचना किए थे भक्तमाल। ओके, क्वेश्चन टू है, गुड़िया के भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है, कृष्णा सोपती, उषा प्रेमवदा, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान? आंसर इसका सी हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा। गुड़िया के भीतर गुड़िया के रचनाकार है, UP TET में क्वेश्चन पूछा गया था। गोस्वामी तुलसीदास का मृत्यु बनारस के किस घाट पर हुआ, दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, राम घाट या फिर मणिकर्णिका घाट? इनका जो मृत्यु हुआ था वह बनारस के 80 घाट पर हुआ था। एक और इन्फॉर्मेशन साथ में रख लीजिएगा, जो आप नाम सुने हैं धनपत राय, धनपत राय तो पता होगा, सबको पता है धनपत राय श्रीवास्तव मुंशी प्रेमचंद का नाम था। इनका भी जन्म बनारस के लम्ही गांव में हुआ था, इनके बारे में याद रखिएगा ना, बनारस के लम्ही गांव में इनका जन्म था, तो ये भी बनारस से रिलेटेड है, इनके बारे में याद रखें, धनपत रॉय बनारस, ठीक है, लम्ही गांव नाम था इनका। और इनके बारे में तो पता ही होगा, 1936 में जो अंतिम उपन्यास था गोदान वह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आंसर इसका बी हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जो है से रचना जो की है उसका नाम है रामचरितमानस, और रामचरितमानस जो है से आपको अवधि में लिखा हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रामायण और महाभारत दोनों संस्कृत में रचित है, याद रख लीजिएगा। मणिकर्णिका यह मनु नाम था रानी लक्ष्मीबाई का ना, याद रख लीजिएगा। और इनके गुरु का नाम था तुलसीदास नर हरिदास, नर हरिदास याद रखते हैं। कबीरदास के गुरु रामानंद थे। निर्बलता में उपसर्ग प्रत्यय का सही विकल्प है बताइए। नीर यहाँ पे र हलंत है, बलता निर्बलता देख लीजिएगा, सारा ऑप्शन निर्बल अता लिखा हुआ है, ये सारे के सारे ऑप्शन इरिलेवेंट है, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर ए। निर्बलता का उपसर्ग नीर लगा हुआ है, उसके बाद बल मूल शब्द है, उसमें ता उसमें प्रत्यय लगा हुआ है ना, इस तरह से निर्बलता शब्द बनता है। मूल शब्द इसमें बल है, नीर उपसर्ग लगा और प्रत्यय ता लगा, उपसर्ग पहले लगता है प्रत्यय बाद में लगता है ना, प्रीफिक्स और सफिक्स रेस्पेक्टिवली इसका इंग्लिश होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। कायर का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, अकायरता, कायरत्व, कायरपन या फिर कायरता? कायरता मतलब कायर मतलब क्या होता है अंग्रेजी में अगर कनेक्ट कर पढ़ें, देखिए मैं आपको हिंदी इंग्लिश इसलिए पढ़ा पाता हूँ ट्रूली स्पीकिंग, तो इंग्लिश को मैं अच्छे से पढ़ा था, और जब भी मैं जो मैगजीन वगैरह पढ़ने का मुझे काफ़ी शौक रहा था पुराने टाइम में,
तो वहाँ से मैगजीन में जो भी हिंदी वाले क्वेश्चन आते थे अलग अलग एग्जाम से, तो उसको मैं छोड़ता नहीं था, साथ में पढ़ते रहता था, तो वहाँ से मेरा कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया था। तो देखिए, नॉलेज जो भी हो आपके समझ जो आता है उसको लेते जाइए, नॉलेज जितना बढ़ाइएगा उतना ही आपको फायदा करेगा। एक मैंने बोलते हैं ना कि एक बैलेंस डाइट हो जाता है, तो नॉलेज जो होता है ऐसे बैलेंस डाइट के जैसा काम करता है, आपको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा। तो लाइफ में कोई चीज़ को छोड़कर मत चलिए, खासकर आप लोग कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, हिंदी तो एक वेटेज होता है हर एग्जाम का। ओके, अगर यूपीएससी और जेपीएससी की तैयारी करें तो अलग बात है, बट सब में तो हिंदी वगैरह पूछा जाता ही है, झारखंड के एग्जाम में जितना आप लोग दे रहे हैं। सो कावड़ देखिए होता है, तो कावड़ एक क्या होता है, कावड़ जो है एक एडजेक्टिव है, ठीक है, तो इसका अगर भाववाचक बनाया जाएगा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट बनाया जाता है तो कावड़नेस होता है, तो कायर का भाववाचक संज्ञा कायरता बन जाएगा ना, भाववाचक संज्ञा इसका, समझ लीजिएगा। चलिए, विद्यार्थी में कौन सा संधि है, संधि तो पता होगा, विधि संधि, दीर्घ संधि, यन संधि या फिर गुण संधि। इसका होता है विद्या जोड़ अर्थी, अगर इसका संधि विच्छेद करें पीडीएफ में डाल दूंगा आपको, विद्या जोड़ अर्थी यही बनेगा इसका, संधि विच्छेद यही होगा, सॉरी संधि विच्छेद यही होगा। तो विद्या में यहां देखिए वर्ण को कीजिए, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ओके, चलिए संधि का भी संधि विच्छेद होता है, सम प्लस दी, आते हैं इस पॉइंट पे। यहाँ पे या है ना, तो आ गया इसका वर्ण, अंतिम वर्ण देखिए पढ़िए या आ आ रहा है ना उस तरह से, उसके बाद अ आया, तो आ प्लस अ मिलने के बाद भी आ बनता है, और आ कैसा है, आ जो है से आपका दीर्घ वर्ण में आता है, ठीक है ना, दीर्घ स्वर आता है, सॉरी या वर्ण भी बोल सकते हैं। तो हर स्वर में चार आता था आपको याद होगा, अ बताया था, उसके बाद छोटी ई बताया था, छोटी ऊ बताया था और एक री बताया था, ये चारों जो हैं से आपको हर स्वर में आते हैं, और इसके अलावा जितने भी जो सेवन बच गए, टोटल स्वर की संख्या हिंदी में 11 है, तो वो सारे आपको दीर्घ स्वर के एग्जाम्पल आते हैं इसको छोड़कर। तो यहाँ से आ क्या आ गया, आ जो है से आपका दीर्घ आ गया, तो इस तरह से इसमें दीर्घ संधि हो गया, संधि विजय इसका विद्या जोड़ अर्थी हो जाएगा, समझ गए। संधि जो होता है बता दिया, संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ जितने भी मेंशन है, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यन संधि, गुण संधि, ये सारे स्वर संधि के प्रकार हैं। इसमें एक और अगर जोड़ दिया जाए जो कि बचेगा अयादि संधि, यही टोटल पांच प्रकार होता है स्वर संधि के। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पुष्प, विहीप, वन या फिर जलद। सही आंसर होगा सी, वन होता है, जंगल अरण्य बोल सकते हैं, इसका पर्यायवाची हो जाएगा अरण्य, जंगल इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। पुष्प मतलब तो फूल होता है, विहीप मतलब ना, देखिए इसको सर्च कर रहा था, विहीप का अर्थ होता है विश्व हिंदू परिषद को शॉर्ट में लिखा जाता है विहीप। जलद का अर्थ होता है बादल ना, इसको देख लीजिएगा, बादल होता है, बादल मेघ भी बोल सकते हैं, वारिद भी बोल सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। अब ये जो जलद है इसको जलज से कन्फ्यूज ना करें, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान दीजिएगा, जलद और जलज दोनों में ज लास्ट, ज और द का अंतर है। जलज का मतलब क्या होता है, जलज का मतलब होता है पंकज, पंकज बहुवीर समास इसमें, कमल इसको बोल दीजिए, राजीव बोल दीजिए। ओके, तो इस तरह से होता है, तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जलद और जलज इसको ध्यान रखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, वाक्य विग्रह का क्या अर्थ है, जिस तरह से समास विग्रह आप लोग करते हैं उस तरह से वाक्य विग्रह क्या होता है बताइए जरा। शब्दों को जोड़ना, वाक्य रचना करना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना या फिर संधि और समास बताना। सही आंसर इसका सी हो गया, वाक्य खंडों को अलग अलग कीजिए, कहाँ पे संज्ञा है, कहाँ पे सर्वनाम है, कहाँ पे विशेषण लगा हुआ है, कहाँ पे कोई कारक वगैरह है, तो उसका संबंध वगैरह बताने का जो प्रोसेस होता है उसको आप लोग वाक्य विग्रह के नाम से जानते हैं। इसका आंसर सी हो चुका है। सुई का तत्सम रूप क्या होगा, यानी कि सुई जो कहा जाए, यह एक तद्भव शब्द है, क्या है, तद्भव, तद मतलब तद प्लस भव यानी कि उससे उत्पन्न, तो यह एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा, सुजा, सूची, सलाई या फिर सूची। आंसर इसका बी होगा, सूची। देख लीजिएगा, च में छोटी ई की मात्रा है, ये जो बड़ी की मात्रा उसका मतलब इंडेक्स होता है ना, तो कन्फ्यूज मत कीजिएगा, च में छोटी ई की मात्रा आपको लेना है, सुई का तद्भव हो गया, सुई एक तद्भव, इसका तत्सम सूची हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, परिसीमन का विलोम क्या है, ससीम, निरसीमन, असीमन या फिर ससीमन। कोई है जेपीसी या फिर स्टेट जो यूपीएससी या फिर कोई स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले, उनको पता होगा डिलिमिटेशन कमीशन, तो वही होता है परिसीमन आयोग। तो डिलिमिटेशन का मतलब होता है परिसीमन, आपको लिमिट करके रखता है, तो उसका होता है निरसीमन, उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, निरसीमन परिसीमन का विलोम होता है। धूसर शब्द का पर्यायवाची क्या है, अश्व, मेघ, गंधर्व या फिर अजम। देखिए धूसर का अर्थ होता है गधा, तो इसका गंधर्व हो जाएगा ना, इसको देख लीजिएगा, गंधर्व होता है, गंधर्व नहीं होता है, इसको थोड़ा इसको हटाना पड़ेगा,
सी हो गया इसका सही आंसर। आज तो समझते होंगे घोड़ा होता है, मेघ बादल बारिश बताया था, अजा मतलब बकरी भी होता है या कोई शक्ति भी होता है अजा मतलब। पंकज में कौन सा समास है? आप लोग ध्यान से सुने कुछ, पंकज जब बता रहा था तो मैं समास का नाम भी बता दिया था। इसी तरह से डिस्कस करता हूँ तो ध्यान से देखें कीजिए, क्वेश्चन बन के आ जाएगा मेरे एक एक स्टेटमेंट से। पंकज में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि। पंकज में क्या होगा? पंक में जो उगता है उसको बोलते हैं यानी कि कमल। तो जो तीसरा पद यानी कि अन्य पद प्रधान होता है वहां पे बहुव्रीहि समास आता है ना, इसको ध्यान रखें। तो पंकज में पंक में खिलने वाला होता है उसको आप लोग पंकज बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इसमें अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद को आप लोग तीसरा पद भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखें। द्वंद्व समास देखिएगा, दोनों पद प्रधान होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का जो है संबंध होता है, इसको ध्यान रखिएगा, या फिर उपमेय उपमान बोल सकते हैं, जैसे नीलकमल बोलिए। क्वेश्चन 13 है, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे। ये तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप लोगों ने कहीं देखा है या बहुत लोग इसको आंसर दिए थे। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, ऊंट देखें कितना बड़ा होता है, ओके। उसका चोरी क्या मतलब, निहुरना मतलब समझते हैं झुककर, तो ऊंट की जो है चोरी झुककर किया जा सकता है, वो बहुत बड़ा होता है, उसका चोरी आप लोग झुककर नहीं कर सकते ना। अगर उसके ऊपर कोई सामान रखा हुआ है तो उसको चोरी करना है तो क्या होगा, आपको ऊपर जाना ही पड़ेगा, यानी कि आप छिप कर काम नहीं कर सकते हैं। तो इसका होता है कि बड़े काम जो होते हैं तो छिप छिप कर आप नहीं कर सकते हैं, कोई भी बड़ा काम कीजिएगा तो लोगों की नज़र में आप आ ही जाइएगा, ठीक है। तो काम यही करना है आपको, कोई बड़ा ही करना है, ठीक है। जीवन लंबा नहीं बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये बड़ा करता आप लोग अच्छे से समझते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। सी विभक्ति निम्न में से किस कार्य के लिए प्रयुक्त होता है? कारक जो चिन्ह होता है उसके लिए आप लोग परसर्ग चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं कहीं कहीं, तो देख लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए होता है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे करण कारक हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका डी होगा। लिखावट है प्रत्यय क्या है? अर्ट, वर्ट, अवट या फिर आवट। लिख इसमें मूल शब्द होता है, लिखावट को अगर तोड़िएगा मूल शब्द प्रत्यय तो लिख प्लस आवट होगा, ओके। लिख प्लस आवट तो लिखावट बन जाएगा, तो इसमें प्रत्यय आवट लग गया, लिख इसमें मूल शब्द है, ठीक है। अब ये धातु ही बनता है, लिख से ना प्रत्यय लगाने के बाद इसमें लिखना बन जाएगा, लिख एक धातु है, मूल शब्द ही बनता है, क्रिया का मूल शब्द है। महोत्सव का संधि विच्छेद कीजिए। महो जोड़ उत्सव, महा जोड़ उत्सव, मही जोड़ उत्सव या फिर म जोड़ उत्सव। इतना अब तक बता चुका हूं, क्या महोत्सव पता चल रहा है कि संधि कौन सा है, संधि कौन सा है, उसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, महाजोड़ उत्सव होगा। अगर समझ पा रहे होंगे, महा आया उसके बाद देखिए यहाँ पे उ वर्ण है, आ और उ मिलकर शब्द क्या बनाए, महो, यानी कि आर उ वर्ण को मिलने के बाद जो शब्द जो विकार आ रहा है वह ओ आ रहा है, तो आर उ मिलकर ओ बनता है, वहां पे गुण संधि होता है, ए रूल है इसका, तो यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा महोत्सव में, देख लीजिएगा। क्वेश्चन 17, देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु, तत्पुरुष यहाँ पे दो हो गया, इसको ना कुछ दूसरा ऑप्शन डाल दीजिए, यानी कि बहुव्रीहि डाल देता हूँ, इसको पीडीएफ में सही करना पड़ेगा, और या फिर अव्ययी भाव, इसमें तत्पुरुष समास होगा ना, ऑप्शन नंबर ए। देशभक्ति में मतलब देश के लिए, देश का भक्ति, तो यहाँ पे काके की वगैरह लगता है, आप लोग पता होगा विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, तो वहां पे तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के भी छह भेद होते हैं, आइडिया रखना है आपको जरूर, और बाकी समास के भी ऐसे छह भेद होते हैं, चार तो लिखा हुआ है, तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, एक द्विगु हो गया, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, एक बच गया आपका द्वंद्व समास, और एक बच गया आपका कर्मधारय समास, तो ये टोटल छह हो जाएगा देशभक्ति में तत्पुरुष समास। पुस्तक पढ़ी जाती है हमें कौन सा वाच्य है? हिंदी में दो ही तरह का वाच्य होता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ओके। सॉरी क्योंकि मैं भी गड़बड़ करता हूँ। हिंदी में जो होता है ऐसे वाच्य तीन तरह का होता है, और इंग्लिश में जो होता है ऐसे वाच्य दो तरह का होता है, सॉरी फॉर दैट। हिंदी में तीन तरह का वाच्य होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच और भाववाच्य, इंग्लिश में दो होता है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कर्तृवाच्य, कर्मवाच, भाववाच्य फिर क्रियावाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती में है बताना है, पुस्तक पढ़ी जाती है, सोचिए कि यह काम कर्ता कर मतलब कर्ता कर रहा है या फिर कर्ता पर काम हो रहा है, यह काम जो है ऐसे कर्ता पर हो रहा है, ठीक है, यानी कि पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी कि यह कर्मवाच्य में है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें बी हो गया आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। निम्न में से कौन सा अव्यय है? अव्यय भी इसको अविकारी शब्द के नाम से भी आप लोग जानते हैं, जिसका किसी भी लिंग वचन ओके काल में परिवर्तन नहीं होता है। प्राचीन, मोटा, गरीब और, इसमें और सब जो है से अव्यय है ना, अव्यय। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? दोहा पढ़े आप लोग, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुकुर सुधारी पढ़े कि नहीं?
तो इसी तरह से दोहा होता है। तो दोहा की जो चार चरण होता है, दोहा दो लाइन का होता है, उसमें चार चरण माना जाता है। तो उसका प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है, 11, 12, 13 या फिर 11। देखिए दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है, या देखिए प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होते हैं, और दूसरा और चौथा चरण में है आपको 11-11 मात्रा होती है। इसके आइडिया जरूर रखें। ओके, दोहा के प्रथम चरण में 13-13 मात्राएं होती है, और प्रथम और तृतीय में और दूसरे और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो आंसर पूछा गया है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन प्रथम चरण में, तो आंसर 13 लगा लेना है। समझ गए? ओके, इसको याद रखिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित में से कौन शब्द अलंकार है? अलंकार दो तरह का होता है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं, तीन में भेद में से एक पहचान कीजिए, वह हो जाएगा यमक। बाकी जो दो भेद और हैं जो कि शब्द अलंकार के हैं, तो उसके यमक हो गया, एक हो जाएगा आपका अनुप्रास, एक हो जाएगा श्लेष। यही तीन होता है शब्द अलंकार के भेद, अर्थ अलंकार के ये सब भेद हैं उपमा, रूपक और प्रेक्षा। समझ गए? आंसर इसका डी हो गया। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या फिर गहना। निम्न से कौन से एक तालव्य ध्वनि है? तालव्य समझते हैं, तालव्य सब बोलते हैं। इतना इजी क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान में बहुत बता चुका हूँ, सारा हिंदी के लेक्चर को आप लोग देख लीजिएगा। उच्चारण स्थान ध्वनि का पूछते हैं आपसे, सॉरी वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है उसको पूछा जाता है। निम्न से कौन सा अघोष वर्ण है? घोष और अघोष वर्ण पढ़े हैं, क, ग, घ या फिर ज, कौन आंसर होना चाहिए? देखिए अघोष वर्ण कोई भी आप लोग वर्ग उठा लीजिए, चाहे क वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग हो, त वर्ग हो, प वर्ग हो, ये सारा में जितना पहला और दूसरा वर्ण जो होता है ना, पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, और बाकी तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है। ठीक है, सघोष को सिर्फ घोष भी बोलता है कहीं कहीं, तो कन्फ्यूज मत कीजिएगा, इसको सिर्फ घोष या सघोष के नाम से जाना जाता है। 3, 4, 5 में सघोष हो जाएगा और बाकी अघोष हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे, ग घ तो आपका क्रमशः तीसरा और चौथा वर्ण है, किसका? कवर का। और ज है च छ ज, ये जो ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा आपका तीसरा क ख च छ ज तीसरा वर्ण है। तो तीसरा वर्ण तो क्या होता है? सघोष होता है। तो पहला वर्ण होगा तो आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ग और घ भी तीसरा और चौथा वर्ण था, तो अघोष पूछा गया है तो पहला और दूसरा ही होता है। तो क ख हो जाएगा, च छ हो जाएगा, ज फिर इसके बाद च छ हो जाएगा, उसके बाद अगर देखेंगे त थ हो जाएगा, ट ठ हो जाएगा, इस तरह चलता है, प फ वगैरह। तो ये सब अघोष होता है, बाकी सघोष होता है, देख लीजिएगा ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है, इस पे बनता है ना, या देख लीजिएगा, फर्स्ट और टू ही अघोष होता है। क्वेश्चन 24, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उपहार, ग्रंथ, मस्तक या फिर रचना। सही से इसका डी होगा, रचना शब्द स्त्रीलिंग है, बाकी सारे शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग पूछा जा रहा है, हिंदी में लिंग दो ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इच्छा, राष्ट्र, रक्षा, योग्यता। सही आंसर बी होगा, राष्ट्र एक पुल्लिंग शब्द है। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? लड़का, घोड़ा, प्राण या फिर वधू। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, सबका प्लूरल आप लोग बना सकते हैं, लड़के, घोड़े, इस तरह से। प्राण का प्लूरल नहीं बनता है, कहने का मतलब बहुवचन। देख लीजिएगा जो हिंदी होता है उसमें दो ही वचन होता है, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में तीन वचन माने जाते हैं, बट हिंदी में वचन दो ही लेना है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, द्विवचन नहीं होता है। तो पूछ दें कि वचन दो कितने प्रकार के होते हैं, दो ही टिक लगाइएगा। प्राण इसका सही आंसर हो गया, सदा बहुवचन में यू प्रयोग होता है। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है? सर्वनाम कौन होते हैं जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त हो सकते हैं? घर, आप, पहाड़ या फिर नदी। घर आप समझ पा रहे होंगे, पहाड़, नदी, तो सब किसी चीज़ का नाम है, तो यह नाम जो होता है इसे संज्ञा होता है। आप जो है सर्वनाम है, टोटल जितने भी 13 देखने को मिलता है सर्वनाम, उसमें एक आप आता है। निम्नलिखित में विशेषण कौन है? विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतला सकता है उसे विशेषण कहते हैं। लंबाई, बुढ़ापा, समझ या फिर शांत। यह इसका आंसर डी होगा, शांत। जैसे आप लोग बोल सकते हैं शांत आदमी, शांत जल। तो हिंदी में देखिएगा तो विशेषण के बाद कोई संज्ञा शब्द आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, तो समझ लीजिएगा उसको विशेषण है। उसके बाद लंबाई के बाद उसको संज्ञा शब्द आप लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो समझिएगा कि वहाँ विशेषण नहीं है। बुढ़ापा तो आपको देखने को मिलेगा, भाववाचक संज्ञा वगैरह हो जाता है, समझ वगैरह, समझ गए। लंबाई भी, लेंथ वगैरह भी भाववाचक में ही आता है। ठीक है, चलिए, लॉन्ग से लेंथ बनता है, आप लोग को आइडिया होगा अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए होंगे तो। शांत इसका आंसर हो गया।
बाकी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 29, प्रश्नार्थक क्रिया है। प्रश्नार्थक क्रिया गिरना, बोलना, सुनाना या फिर कहना। देखिए अगर थोड़ा सा आप लोग हिंदी और इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा ना कोर्स जो मैं दे रहा हूँ आपको, कम से कम उसको ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही एक नॉमिनल प्राइस है, आप लोग अगर एक बार ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको मज़ा आ जाएगा। अभी तो नहीं है मतलब एप्लीकेशन नहीं है, बट पढ़ने से मतलब है, एप्लीकेशन आएगा तब देखा जाएगा, जब आता है तब। ओके, उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट वगैरह लगता है तो उसको तब देखेंगे, बट फॉर द टाइमिंग अभी लेक्चर आपको मिल रहा है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही एक नॉमिनल प्राइस है और हिंदी और इंग्लिश कॉन्सेप्ट काफ़ी बेहतर हो जाएगा आपको, अगर मेरा मानिएगा तो। एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, उस प्राइस में भी अगर आपको दिक्कत होता है और आप पढ़ना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट कीजिए ना, मैं तो फिर भी बहुत लोगों को दे चुका हूँ। लेकिन हाँ, आपका सही प्रॉब्लम होना चाहिए, झूठ बोलकर कोई काम मत किया कीजिए, आगे जाके क्या कीजिएगा, समझ गए। तो अभी क्रिया पढ़ाने वाला हूँ जस्ट, या कल लगता है ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा क्रिया के बारे में टोटल। तो प्रश्नार्थक क्रिया देखिए गिरना, बोलना, सुनाना या फिर कहना। आंसर इसका सी हो जाएगा, सुनाना। प्रश्नार्थक क्रिया क्या होता है, जब कोई कर्ता जो है कार्य खुद न कर किसी से कराता करवाता है तो उसमें प्रश्नार्थक क्रिया होता है। ओके, जैसे ही वह अपने बच्चों को पढ़वाता है, वह लिखवाता है, इस तरह से आता है। सुनाना यही हो गया प्रश्नार्थक क्रिया। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, अंधकार, अंगरक्षक, आशा या फिर अचरज। यह शब्द एक तद्भव है ना, तो अचरज जो है एक तद्भव शब्द है, आश्चर्य होता है। तत्सम, शीत का विलोम शब्द क्या होगा, ठंड, गीत, कृष्ण या फिर उष्ण। सही आंसर इसका डी होगा, शीत मतलब क्या होता है, शीत समझते होंगे आप लोग, तो ठंडा होता है तो उसका उष्ण मतलब होता है गर्म ना, उष्ण मतलब गर्म होता है। उष्णकटिबंधीय नाम सुने आप लोग, ट्रॉपिकल। कृष्ण मतलब काला होता है। क्वेश्चन 32, कर का क्या अर्थ नहीं है, कर का अर्थ बताना है। ये क्वेश्चन सुपर इंपोर्टेंट है, जितना बार टिक लगाना है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम में। सूर्य, हाथ, किरण या फिर टैक्स। कर का तीन अर्थ होता है जिसमें इंक्लूड है हाथ, किरण और टैक्स, सूर्य इसका अर्थ नहीं होता है। तो अनेकार्थी शब्द से पूछा गया है, आंसर इसका ए हो जाएगा, सूर्य। सूर्य होता है दिवाकर, प्रभाकर, सुधाकर, भानु होता है, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं सूर्य के, ध्यान रखिएगा। कर का अनेकार्थी हो गया, समझ गए, हाथ, किरण और टैक्स। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और भी आपसे पूछे हैं पास्ट में क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि कनक के अनेकार्थी शब्द कौन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछे हैं। तो कनक के अनेकार्थी में इंक्लूड होता है गेहूं, देख लीजिएगा ध्यान से, गेहूं होता है, एक सोना भी होता है आपका, धतूरा भी इसका मीनिंग होता है, और कोई एक चार चौथा ऑप्शन डाल देंगे कि बताइए कौन अर्थ नहीं है। इसका अर्थ होता है प्लास भी एक होता है अर्थ ना, प्लास, समझ गए। तो इसको देख लीजिए, कनक का इतना अर्थ होता है अनेकार्थी शब्द, और इसमें छाटने के लिए देगा कौन नहीं है या कनक का अर्थ क्या है, ध्यान दीजिएगा, कनक और कर दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 33, जो कठिनाई से मिले उसे क्या बोलते हैं, जो कठिनाई से मिलता है उसको आप लोग दुर्लभ बोलते हैं ना, दुर्गम वगैरह राष्ट्र के लिए होता है, जो रास्ता कठिन हो उसको दुर्गम बोलते हैं, ठीक है, सुलभ आसानी से जो मिल सकते मिल सके। क्वेश्चन नंबर 34, अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग है, यानी कि कर्मशः देख लेना है कि अनिल का अर्थ क्या होता है और अनल का अर्थ क्या होता है, उसका तो ऑप्शन को टिक कर लेना है। अनिल का मतलब होता है हवा और अनल का मतलब होता है आग, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा, वायु और अग्नि, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अनिल मतलब हवा होता है, अनल मतलब आग होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा ना, आपसे इस तरह से क्वेश्चन भी पूछते हैं। क्वेश्चन 35, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, प्राजय में कौन सा उपसर्ग है, पर, प, पर, परा या फिर जय। इसमें उपसर्ग परा देखने को मिलेगा ना, परा जोड़ जय, ये बनता है उपसर्ग, देख लीजिएगा। थोड़ा सा अगर आप लोग कन्फ्यूज करेंगे तो आंसर में देख लीजिएगा, पढ़ते हुए देख रखे हैं ज, ठीक है, तो ध्यान से देखना होता है इसीलिए कि उपसर्ग पूछा है कि प्रत्यय, पता चला कि प्रत्यय लगाकर आ गए, और लगा के आ जाइएगा तो आप लोग खुश रहिएगा, लेकिन वहाँ पे रिजल्ट आएगा तो दुखी हो जाइएगा, ध्यान से करके आना होता है पेपर को। परा प्लस जय, उपसर्ग परा हो गया, जय इसमें देखने को मिल गया। तो यही आज का लास्ट, आज तो लाइव स्लाइड भी नहीं लगा पाया, तो यहाँ तक आते हैं तो थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें, और शेड्यूल वगैरह के बारे में कुछ आपको बताना है तो बता सकते हैं हम, बाकी तीन क्लास कल से रेगुलर चलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।